दोस्तों बिग बॉस ओटीटी के लाइव फीड में घर के अंदर एक बार फिर से जिया शंकर और जेड हदीद के रिश्ते को लेकर घर वालों ने कमेंट किया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। हालांकि चिंता करने की कोई बात नहीं है, इस बार हमारे फुकरा इंसान ने किसी के लिए कुछ भी नहीं बोला है। दरअसल दोस्तों हुआ कुछ यूं था कि जेड हदीद और जिया शंकर आपस में बैठकर बातचीत कर रहे थे और वो दोनों जेड के बेड के ऊपर यानी कि ऊपर वाले बेड के ऊपर बैठे हुए थे। वहीं दोस्तों दूसरी ओर यहाँ नीचे की तरफ अविनाश और फलक आपस में लव बर्ड्स बनकर बैठे बातचीत कर रहे थे, जो कि हमेशा करते रहते हैं। इस दौरान दोस्तों जेड और जिया ने आपस में बातचीत कर रहे थे कि वो देखो कितने अच्छा क्यूट कपल लग रहा है, ऐसा लग रहा है मिस्टर ससदेव और मिसेस ससदेव एक साथ बैठकर बातचीत कर रहे हैं, दोनों साथ में बैठे प्यारे तो लगते हैं, इस तरीके की बातें चल रही थी। इस दौरान दोस्तों यहाँ पर जिया शंकर से कंट्रोल नहीं हुआ और जिया शंकर ने घर के सभी कंटेस्टेंट के सामने फलक और अविनाश को मिस्टर सचदेव एंड मिसेस सचदेव कहकर पुकारा। ये सुनकर फलक काफी भड़क गई और अविनाश भी काफी भड़क गया और दोनों ने कहा कि बोलने का थोड़ा तमीज रखा करो, ये कोई बोलने की बात है इस तरीके से जोर से चिल्ला चिल्ला कर, इस तरीके के मजाक हमको पसंद नहीं है, फालतू इस तरीके के फालतू कमेंट करना। वहीं अविनाश ने भी जिया को कहा कि तुम इतना फालतू क्यों बोलती हो, हमने कभी तुम दोनों के रिश्ते को लेकर कोई कमेंट किया है कोई पास, तुम दोनों भी तो हमेशा पास में बैठे रहते हो, साथ में चिपके बैठे रहते हो। अब दोस्तों यहाँ कहने के बाद जिया का मुंह देखने लायक था। हालांकि दोस्तों जिया जो कि दोगली के नाम से भी जानी जाती है, वो तुरंत ही अपनी बातों से पलट गई और तुरंत ही जेड के ऊपर सारा आरोप फेंक दिया और कहा कि जेड ने कहा था, मैंने थोड़ी ना कहा था, ये जेड ही बोल रहा था। वहीं दोस्तों इसके बाद में फलक और अविनाश ने लगातार जिया को काफी खरी खोटी सुनाई और जिया को दबे मुंह चुपचाप बैठना पड़ा। इस दौरान फुकरा इंसान ने फलक को पूछा कि हुआ क्या है दीदी, वो तो बताइए। लेकिन यहाँ पर फलक ने कहा कि कुछ नहीं यार, कुछ लोग होते हैं जो फालतू कमेंट करते हैं। और फुकरा इंसान ने कहा कि कोई बात नहीं, आप इग्नोर कीजिए, ये दुनिया है, यहाँ तो लोग कहेंगे। और इसके बाद फुकरा इंसान ने गाना गाकर कहा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और जिस पर फलक भी हंस पड़ी। फिलहाल दोस्तों पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट में बताएं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए।